हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन यूज़ टू ट्रीट आईबीडी बी डिसीज सो जो आईबीडी को हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो so, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ मतलब कि ये जो हमारे लोअर जी आई ट्रैक होता है कि इसके अंदर मेनली दो चीज़ इंक्लूडेड है एक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर एंड सेकंड है वो है लार्ज इंटेस्टाइन एंड थर्ड इज़ द रैक्टम तो हमारा जो लोअर जी आई ट्रैक होता है उसका स्पेशली क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है ये डिसीज़ के अंदर कि यहाँ पे डायग्राम वन के अंदर ऊपर की ओर हम देख सकते हैं कि नॉर्मल कॉलोन एंड सेकंड जो डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं इन्फ्लेम्ड कॉलोन की जहाँ पे हम स्पेशली देख सकते हैं सूजन आई हुई कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ये सूजन कि जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन तो ये है हमारा नॉर्मल और ये है इन्फ्लेमेशन हुआ कॉलोन तो इसी को ट्रीट करने के लिए हम और जो मेडिसिन को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं सो वी विल ऑल्सो स्टडी इन डिटेल अबाउट द डी ओ सी की जो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है फॉर टू ट्रीट आई बी डी डिसीज तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम्प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा ऑल्सो ज्वाइन us ऑन ए व्हाट्सएप सेंड your नेम एंड सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स तो आपको आपका नाम और आपका सिटी का नाम लिख कर ये वाले नंबर पर व्हाट्सएप करना है टू join अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स तो मैसेज करने से आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्टली आप फार्मर के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसके अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो चलिए सीखते हैं रिगार्डिंग दिस इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ कि जिसके अंदर उसके दो टाइप पड़ते हैं एक तो कोलाइटिस एंड सेकंड इज़ द क्रोन्स डिसीज तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कि जिसके अंदर स्पेसर ये यहाँ पे आप देख सकते हो कोलॉन का पोर्सन वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और जो सेकंड है इसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इन क्रॉन्स डिसीज़ और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो अदर जो जी आई ट्रैक के पार्ट हैं वो भी धीरे धीरे अफेक्टेड होते हैं इन दिस डिसीज़ तो स्पेशली जो हमारा लोअर जी आई ट्रैक हम कहते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का जो लोअर पोर्सन कि स्टमक तक हम अपर पोर्सन कह सकते हैं बराबर बट जो स्टमक से नीचे का जो हमारा पोर्सन है उसको हम लोअर जी आई ट्रैक कहते हैं और ये जो डिसीज़ है स्पेशली फॉर्म होती है इन अवर लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैकि जो हमारा पाचन तंत्र है उसके रिलेटेड ये डिसीज होती है और कैरेक्टराइज बाय द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये जो वर्ड आपको खास अच्छे से पकड़ के रखना है कि यहाँ पे नाम ही है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ बाउल को हम स्पेशली क्या कहते हैं इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के लिए एक टाइप का ये सिनोनिम वर्ड है और इंटेस्टाइन के अंदर जो सूजन आती है उसके लिए स्पेशली हम अलग अलग मेडिसिन को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट तो उसके साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि डायरिया होता है पेशेंट को फीवर एंड फटिक होता है मतलब कि थकान होती है डायरिया फटिक मतलब कि जो थकान होती है पेशेंट को स्पेशली जो थकान होती है उसको हम कहते हैं फटिक फिर एब्डोमिनल पेन क्रैम्पिंग होता है नेक्स्ट इज़ ब्लड इन योर स्टूल स्टूल के अंदर ब्लड पाया जाता है रिड्यूज एपेटाइट एंड अन इंटेंटेड वेट लॉस वज़न कम हो जाता है पेशेंट का एपेटाइट भूख कम लगती है तो ये है साइन एंड सिम्टम्स तो अब जानते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो जैसे ही वो डिस का नाम है कि वहाँ पर क्या होती है सूजन होती है क्या होता है स्पेशली इन्फ्लामेशन होता है तो जब भी इन्फ्लामेसन होता है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन होती है यूज़ एंटी इन्फ्लामेट्री तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल जो इन्फ्लामेशन होता है और उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए हम अलग अलग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिनस को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर स्पेशली एंटी uh, इन्फ्लेमेटरी के अंदर कार्टिकोस्टीरॉइड्स एंड एमिनोसेलिस क्लास की ड्रग्स को ज़्यादा प्रिफर की जाती है एंड मैसेलामाइन कि जिसका ब्रांड नेम देख सकते हैं एसाकॉल एच डी कॉल उसके बाद बेलसेलाजाइड कि जिसको कोलाजल करके उसका ब्रांड नेम है एंड ओल्साले जिन की जिसके ब्रांड नेम है डिपेंटम तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन स्पेशली कॉर्टिकोस्टेराड और एमिनोसेलिसलेट क्लास की है कि ए ऐसे एमिनोसेलिसिक एसिड ए एस ए क्लास की ये ड्रग्स स्पेशली प्रीफर की जाती है तो डिटेल में जानते हैं ये मेडिसिन के बारे में कि एमिनोसेलिसलेट्स कि जिसके अंदर ये ड्रग काफ़ी फेमस है यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फा सेलेजिन कि सल्फा सेलेजिन के जो टैबलेट्स है फाइव हंड्रेड एम जी स्ट्रेंथ के अंदर स्पेशली अवेलेबल होते हैं एंड डिपेंड ऑन द पेशेंट उसको यूज़ की जाती है फिर उसी क्लास की दूसरी जो ड्रग है ऑल्सालेजिन भी काफ़ी फेमस है बालसालेजाइड एंड मैसेला माइन तो बालसालेजाइड का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइसोडियम कैप्सूल 750 सौ का उसका स्ट्रेंथ है और यहाँ पे लिखा है कि ईच कैप्सूल कंटेन 750 फिफ्टी ऑफ बालसालाजेड डाइसोडियम एज़ पर यू एंड कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पे एक खास लिखा है आर एक्स आरएक्स आर एक्स का मतलब हो गया प्रिस्क्रिप्शन तो ये जो मेडिसिन है वो स्पेशली प्रिस्क्रिप्सन ड्रग है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्सन ये मेडिसिन को नहीं दे सकते आप दिज आर द प्रिस्क्रिप्सन ड्रग की प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न के अंदर ही एमिनोसेलिस क्लास की ड्रग आई बी डी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ की जाती है नेक्स्ट है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइडस कि जिसके अंदर प्रेडनीसोन को हम यूज़ करते हैं प्रेडनीसोलॉन हाइड्रोकोर्टिसोन और जो प्रेडनीसोन और प्रेडनीसोलॉन जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस हम कह सकते हैं उनको कि प्रेडनीसोन के जो टैबलेट्स हैं वो भी यहाँ पे लिखा है कि आर एक्स आर एक्स मतलब कि ये भी है एक टाइप के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते और उसकी स्ट्रेंथ और जो मार्केटेड फार्मूलेशन के अंदर ट्वेंटी एम उसकी स्ट्रेंथ है उसके बाद आ, बूढ़ेसोनाइड इन्ेलेसन सस्पेंजन की जिसका डोज है पॉइंट फाइव एम जी पर टू एम एल इन्हेलेसन ओनली एंड स्टोर अपराइट ऊपर की ओर रखना होता है बिकॉज इन्ेलेसन होता है से आपको लेने हैं एंड थर्टी सिंगल डोज एम प्यूल पर कार्टून की जो सप्ला की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नोटिस करोगे ये वर्ड आर एक्स ओनली तो उसका मतलब ये है कि ये जितने भी मेडिसिन है आई बी डी की उसको आप सेल्फ मेडिकेट नहीं कर सकते सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो डेंजरस होता है इसके कारण सिर्फ डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही विथ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड विथ प्रॉपर एडवाइज ऑफ मेडिकल सुपरवाइजर ही आपको लेनी रहती है यही क्लास की दूसरी ड्रग है वो है बुडेसोनाइट जो हमने अभी देखा एंड एजाथायोप्राइन एंड सिक्स एम पी तो ये है आपके लिए मोस्ट आई एम पी क्लास कह सकते हैं हम कि जो आई के ट्रीटमेंट के अंदर प्रीफर की जाती है मेडिसिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइडस कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लास है उसकी ये ड्रग्स है उसके अलावा आई के ट्रीटमेंट के अंदर हम मिथोट्रिक भी यूज़ करते हैं कि इट इज़ यूज फॉर द इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेमिसन ऑफ क्रोन्स डिसीज़ बट नॉट अल्सरेटिव कोलाइटिस तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को यह हम यहाँ पे स्क्रैच कर देते हैं कि उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ नहीं होगी बट जो क्रोन्स डिसीज़ है कि आईबीडी को हमने दो टाइप के अंदर क्लासिफाई करते हैं कि आईबीडी एक उसका जो क्लास है वो है क्रोन्स डिसीज़ एंड सेकंड है उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस तो मिथोट्रिकजेट स्पेशली प्रेफर की जाती है क्रॉन्स डिसीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो यूज़ नहीं की जाती और समझो कि स्पेशली क्रॉन्स डिसीज के अंदर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़े और उसके रिलेटेड जब कैंसर फॉर्म होता है तब मिथोट्रिक्सेट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है बिकॉज मिथोट्रिक्सेट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ की जाती है नेक्स्ट है वो है एंटी टी एन एफ आल्फा थेरापी तो ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए सबसे पहले कि टी एन एफ क्या है तो उसके लिए एंटी मेडिसिन या एंटीथेरापी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के जिसको हम कहते हैं टी एन एफ तो ये टी एन एफ क्या है तो इज़ ए सेल सिग्नलिंग प्रोटीन सेल सिग्नलिंग प्रोटीन जिसको साइटोकाइन भी कहा जाता है एंड इन्वॉल्व इन सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन एंड वन ऑफ द साइटोकाइंस दैट मेक अप द एक्यूट फेज रिएक्शन तो टी एन एफ जो है टी एन एफ़ वो इन्वॉल्व होता है स्पेशली इन इन्फ्लामेशन की सिस्टमिक इन्फ्लामेशन मीन्स टी एन एफ टी एन एफ कैन कोज इन्फ्लामेशन ये आप लिख सकते हैं कि टी एन एफ के कारण जो है इन्फ्लामेशन जो है वो हो सकता है इन्फ्लामेशन कैन बी अकर्स ड्यू टू द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अब समझो कि टी एन एफ को ही आप क्या कर देते हो ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसको आप इनहिबिट करते हैं इफ़ यू विल इनहिबिट दिस टी एन एफ तो क्या होगा इन्फ्लमेशन uh, जो है वो uh, होगा ही नहीं और जिसके कारण आप आई बी डी की जो ट्रीटमेंट कर पाओगे तो इन्फ्लिकिमैफ ये खास नाम याद रखो आप इन्फ्लिकिमैप अडालब एंड सर्टोली जूमेप आर यूज़फुल इन क्रोन्स डिसीज़ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एस्पेली एंटी टी एन एफ आल्फाथेरापी वी यूज टू ट्रीट आई बी डी और ये जो मेडिसिन का जो क्लास है वो हम कह सकते हैं कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी एंड आगे लिखा है एम तो एम ए बी मतलब कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एम ए बी तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्लास की ये जो मेडिसिन है और उसको प्रीफर की जाती है टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ और स्पेशली क्रोन्स डिसीज के अंदर ये काफ़ी यूजफुल है तो इन्फ्लेक्मैब आपको याद रखना है खास अडालिमोमेब एंड सर्टोलीजूमैब उसी के बारे में और जानते हैं डिटेल में कि एंटी टी एन एफ आल्फाथेरापी के अंदर इफेक्टिव ऑफ ध्याम इन अल्सरेटिव कोलाइटिस डाउटफुल बट यूजफुल इन ए क्रॉन्स डिसीज़ इन्फ्लिक्सिमेप इज गिवन बाय आई वी रूट इन्फ्लिक्समेप का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है वायल तो स्पेशली उसको इंट्रावेनसली दिया जाता है यहाँ पे देखा है वन वायल इज़ इक्वल टू हंड्रेड एम जी और ये भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही रहेगी स्पेशली आर एक्स ओनली एंड यह है सिर्फ आई वी एडमिनिस्ट्रेट की जाती है और बाकी की जो दो ड्रग है उसको सबक्यूटेनियसली हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं कि सर्टोलिज़ुमेब इज़ पैगाइलेटेड एंटीटीएन एफ अल्फा इंडिकेटेड फॉर क्रोन्स डिसीज और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है सबक्यूटेनियसली तो ऐसी इंजेक्शन रहेगा सर्टोलिजमेप के लिए इन इन्फ्लिकमेप के लिए आई वी रूट से मेडिसिन दी जाती है और जो तीसरी जो हमने मेडिसिन देखी कि अडालिमीवेब वो भी सब क्यूटेनियस दी जाती है सर्टोलिजमेप ऑल्सो सब क्यूटेनियस एंड इन्फ्लिक्समेप को दी जाती है आईवी तो आई पर से आईवी आप याद रख ले गए और बाकी के दो है रिमेनिंग वो सब क्यूटेनियस के रूट से दी जाती है तो ये हो गई टी एन ए फाल्फा थेरापी एंटी टी एन ए फाल्फा थेरापी ड्रग्स की जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को ब्लॉक करती है नेक्स्ट है एंटी एंटीग्रीन थेरापी कि जिसके अंदर एक ही ड्रग है वो है नटाली वो भी एम ए बी यहाँ पर लिखा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया मॉडरेट टू सीवियर क्रोन्स डिसीज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अदर थेरापीज़ तो सिर्फ आई बी डी का जो क्रोन्स डिसीज़ है उसी के अंदर ये हम प्रीफर करेंगे नटालीजुमैब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट आई एम पी तो खास ये आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर लिख लो ये पॉइंट आगे देखते हैं कि इट इज़ टारगेटेड अगेंस्ट द ए फॉर सब यूनिट ऑफ इंटीग्रीन तो ए फॉर सब यूनिट के जो होते हैं इंटीग्रीनस के वहाँ से बाइंड होके उसको ब्लॉक करके इन्फ्लामेशन को वो ट्रीट करता है अब जान लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइसेस कि जो क्रॉन्स डिसीज़ है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है स्टेरॉइड्स सो so, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के जो हमने आगे देखे प्रेडनीसोन प्रेडनीसोलॉन हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड बुडेसोनाइड एंड अजाथायोपरिन एंड सिक्स एम पी ये रहेगी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोन्स डिसीज़ मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि चाहे आप जीपेड की तैयारी कर रहे हो फार्मासिस्ट नाइपर या फिर डी आई की एग्जाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज वाइवा के लिए भी आप समझो कि कोई आपको पूछता है तो ये काफ़ी मोस्ट आईएमपी एम पी रहेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोन्स डिसीज़ तो इट इज़ ए कॉर्टिको कार्टिकोस्टीरायड्स और कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स के ये नाम अच्छे से आप याद रखो और सेकंड कि जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस की जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है फाइव ए एस ए डेरेवेटिवस फाइव ए एस ए मतलब फाइव एमाइनो सेलेसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स ड्रग कि जिसके अंदर सल्फा सेलेजिन है ऑल्साजिन है बालसालेजाइड एंड मैसेला माइन तो ये चार मेडिसिनस स्पेशली आप याद रखो कि जो हम यूज़ करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे फाइव अमाइनो सेलिसलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये मेडिसिन है ड्रग ऑफ चॉइस तो दोनों पॉइंट आपके लिए है मोस्ट आई एम पी कि जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज शेयर दिस लेक्चर इफ़ यू लाइक द कंटेंट इन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम एंड इन योर वेरियस फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल्सो जॉइन इन ए व्हाट्सएप बाई सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू अस ऑल्सो अपडेटेड विथ फार्मा नॉलेज फॉर द सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स सो ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ़ फार्मारॉक्स एन अवर एफ जो फार्मारॉक्स की एफ है उसके ऊपर हमारे लेक्चर्स के पी 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 डी एफ वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे तो अभी डाउनलोड करिए एफ फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले कि आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे लिखा है कि एम सी क्यू का आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट